आप सभी का स्वागत है आराधनास किचन में। आज हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ के लड्डू। ये एक विंटर स्पेशल रेसिपी है। मकर संक्रांति पे तिल गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए तिल और गुड़। एक बड़ा सा पैन ले लीजिए, तिल डाल दीजिए। तिल डालने के बाद अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि तिल अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आप मिक्स करते रहिए। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि कलर स्लाइटली चेंज हो गया है। अब हम निकाल लेंगे तिल को एक बड़े से वैसे निकाल दीजिए। अब हम पैन में ऐड करेंगे गुड़। गुड़ ऐड करने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए। यहाँ पे आप जितने तिल लेते हैं उतना ही गुड़ लीजिए। जैसे अगर आपने एक कप तिल लिया है तो उतना ही गुड़ लीजिएगा। बाकी जो चेंजेस आपको करना है, ज़्यादा मीठा खाया जाता है तो आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, कम मीठा खाया जाता है तो वो उसके मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऐसे हमें गुड़ को अच्छे से पकने देना है और मिक्स करते रहना है और कलर चेंज होता हुआ आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है गुड़ का। अब कब हम गुड़ में तिल डाल सकते हैं वो जानने के लिए एक टिप बताती हूँ। टिप है कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उसमें गुड़ डाल दीजिए, जो हमने अभी बनाया था वो वाला गुड़। अगर गुड़ अच्छे से अलग हो जाता है यानी कि चिपकता नहीं है तो हम उस गुड़ में तिल डाल सकते हैं। अगर चिपकता है तो अभी थोड़ी देर है पकने के लिए, अच्छे से गुड़ को पकने दीजिए, बाद में तिल डालिए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं चिपका है, गुड़ में तिल डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मिक्स हो रहा है। मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। लड्डू बनाने के लिए आप पहले हाथ में थोड़ा सा घी या तेल, जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे घी लगाया था। लगाने के बाद अच्छे से हम छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे और सर्कुलर बॉल्स जैसा बना देंगे। तो तैयार है हमारे लड्डू। यही प्रोसेस करनी है। थोड़ा गर्म है तभी बॉल्स बनते हैं अच्छे वाले। और सॉफ्ट बनाने के लिए ज़्यादा बॉल्स बनाते वक्त प्रेस मत कीजिएगा, ऐसे ही सॉफ्ट हैंड से राउंड बॉल्स बना दीजिए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे तिल के लड्डू तैयार हैं। एक प्लेट ले लीजिए और उसमें सर्व कर दीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, आराधनास किचन को फॉलो कर दीजिए। ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब आराधनास किचन। और हाँ, टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लड्डू बेहतरीन बनेंगे।